अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि उमरा वीज़ा कैसे डाउनलोड कर सकते या अप्रूव हुआ है या नहीं कैसे चेक कर सकते। गूगल में जाना है, गूगल में जाके सिंपली आपको लिखना है उमरा वीज़ा ऑनलाइन या फिर प्रिंट, उमरा वीज़ा प्रिंट आप लिखिएगा, सर्च कीजिएगा गूगल में। इस तरह से लिंक आएगा, इंग्लिश और अरबिक दोनों में लिखा हुआ रहेगा। पहला वाला देखिए, अब इसको आपको क्लिक कर लेना है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा और मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है। देखिए इस तरह से पेज ओपन हुआ। अब यहाँ नीचे स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं आपको, एक बारकोड रीडर और एक पासपोर्ट रीडर। तो पासपोर्ट रीडर वाला अगर सेलेक्ट करेंगे ना तो बहुत दिक्कत होता है, इसलिए बारकोड रीडर इसी को सेलेक्ट रहने दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन से जस्ट इसको फॉलो करते हुए जाना है। जैसे फर्स्ट वैल्यू में क्या डालेंगे, वीज़ा नंबर, पासपोर्ट नंबर, तो वीज़ा नंबर तो है नहीं, तो पासपोर्ट नंबर सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर पासपोर्ट नंबर डाल देना। मैं एक सिंपल के तौर पर किसी का चेक करके देखता हूँ, ठीक है, इनका पासपोर्ट नंबर डालता हूँ। ये पासपोर्ट नंबर डाल दिया मैंने। अब सेकंड वैल्यू में क्या डालना है, कोई एक और क्रॉस चेक, जैसे फर्स्ट नेम, पासपोर्ट पे जो फर्स्ट नेम है नीचे में रहता फर्स्ट नेम, वो डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैं डाल के चेक करता हूँ। उसके बाद नेशनलिटी, जो भी नेशनलिटी रहेंगे, इंडिया का है तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ये कैप्शा, ये जो कोड दिख रहा है ना 161673, ये डाल देना है यहाँ पर, इंक्वायरी यहाँ पर क्लिक कर देना है। देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। देयर इज़ नो एनी इन्फॉर्मेशन फॉर द सिलेक्टेड वैल्यूज़, मतलब ये पासपोर्ट पे अभी वीज़ा अप्रूव नहीं हुआ है, उमरा वीज़ा। अब ठीक, एक वो पासपोर्ट चेक करता हूँ जिनका वीज़ा लगा हुआ है, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चले कि कैसे दिखता है वीज़ा। तो यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं करना है, जैसे ये पासपोर्ट नंबर है इसको हटा देंगे और नाम भी हटा देंगे, पासपोर्ट नंबर में उनका पासपोर्ट नंबर डालते हैं किसी और का जिनका अप्रूव हुआ उनका, ठीक है। चलो मैं एक पासपोर्ट ले लेता हूँ जिनका वीज़ा लगा है, वो मैं डालता हूँ पहले। ये पासपोर्ट नंबर हो गया। सेकंड वैल्यू में फर्स्ट नेम ही रहने देंगे, जो पहला नाम होता है पासपोर्ट में वो मैं डाल देता हूँ, करीमुन्निशा। चलो इनका डाल के देखता हूँ। और नेशनलिटी में इंडियन है ये भी, तो इंडिया। और कैप्शा में ये कोड 823190। अब इंक्वायरी यहाँ पे क्लिक करना है, थोड़ा सा टाइम लेता है ये। ओके, ये देखिए वीज़ा आ गया है। तो ये है सिंपल तरीका चेक करने का उमरा वीज़ा अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर अप्रूव हुआ है तो प्रिंट यहीं से कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन है प्रिंट का, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, सेव एज PDF में जाइएगा, सेव कर लीजिएगा। कई बार क्या होता है ना, सेव करने के टाइम सही से सेव नहीं होता है, तो बैकग्राउंड ग्राफिक्स को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, नहीं तो फिर वाइट हो जाएगा। ये होता है अक्सर, मैंने देखा बहुत लोगों के साथ में प्रॉब्लम होता है। तो बैकग्राउंड ग्राफिक्स को अगर टिक रहने दीजिएगा तो ये सेम वैसे ही आ गया जैसे उमरा वीज़ा रहता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।